पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही रौले में। कल उन्होंने अखिलेश यादव की ओबीसी पॉलिटिक्स की पोल खोलने वाली धुलाई की थी। आज उन्होंने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा में अपनी बातों से रगड़ दिया। अखिलेश यादव इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन के लिए माहौल बनाते रह गए, उधर लखनऊ में सीएम योगी ने पूरे समाजवादी कुनबे और इंडी गठबंधन की लाइन लेंथ बिगाड़ी। योगी आदित्यनाथ इंडी गठबंधन के हर नैरेटिव को फुलटॉस बनाकर सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा रहे। जो इंडी गठबंधन फेक नैरेटिव बनाकर योगी आदित्यनाथ की टीम में दरार डालने के सपने देख रहा था, अब योगी आदित्यनाथ उसी इंडी गठबंधन की दरार पर वार करने लगे, वो भी पूरी तरह बदले हुए अंदाज। आज सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे के बहाने अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में माता प्रसाद पांडे से कहा कि उन्होंने नेता विपक्ष की कुर्सी के मामले में अखिलेश के चचा शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया। सीएम योगी के इस वार पर अखिलेश यादव किस तरह तिलमिला उठे और शिवपाल यादव ने क्या कबूल किया उसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले जरा सीएम योगी को सुन। नेता प्रतिपक्ष सर, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अखिलेश यादव के चाचा पर सीएम योगी के इस बयान पर विधानसभा में खूब ठहाके लगे, लेकिन सीएम योगी का यह तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा, क्योंकि शिवपाल यादव जब सीएम योगी की बात का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो बातों बातों में पहली बार ये मान भी लिया कि वो 3 साल तक बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ के गच्चा वाले बयान पर शिवपाल यादव ने क्या बता दिया और किस तरह उनके बयान पर विधानसभा में ठहाके गूंज गए। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर वो आपको फिर गच्चा देंगे। अब शिवपाल यादव बाद में कितना ही घुमाए, शुरू में तो निकल गया कि 3 साल टच में थे, लेकिन गच्चा तो बीजेपी ने भी दिया। खैर, शिवपाल यादव सीएम योगी के जिस बात का जवाब दे रहे थे, सीएम योगी ने वो बात ऐसे ही नहीं कही। सीएम योगी के विरोधी पिछले 15 दिन से खूब प्रचार कर रहे थे कि यूपी में सब ठीक नहीं, योगी और उनके डिप्टी सीएम के बीच बहुत खटपट, लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत खटपट। अब इसी दांव से योगी ने भी अखिलेश और उनके चचा के मामले में लपेट लिया उनको कि चचा को गच्चा, गच्चे पे गच्चा मिल रहा है। लेकिन यह दांव अभी और चलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार ये बोल रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब ठीक नहीं, एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं किया जा रहा। आज अखिलेश यादव तो दिल्ली में थे लोकसभा में, लेकिन अखिलेश ने यहां इसको फिर से उठाया, इस मुद्दे को। देखिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है, कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। वैसे तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं और जो वीडियो खूब चलाया गया था कि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच नमस्ते नहीं हुई, वो बात झूठी निकली थी, ये हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया। लेकिन आज यूपी विधानसभा में चच्चा और गच्चा का मुद्दा क्यों उठा और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नेता विपक्ष पद के बहाने क्यों कहा कि अखिलेश के चच्चा शिवपाल हमेशा गच्चा खा जाते हैं, ये भी समझिए।
दरअसल साल 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से सभी मंत्रालय छीन लिए। शिवपाल यादव के गुट के मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया। शिवपाल के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंगल को भी पद से हटा दिया गया। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने शिवपाल यादव के खास लोगों को टिकट तक नहीं दिया। नाराज होकर शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी। साल 2018 में अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। साल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश और शिवपाल दोनों में मतभेद सामने आए। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया, शिवपाल यादव ने खुलकर यशवंत सिन्हा का विरोध किया। शिवपाल ने अखिलेश पर सम्मान न देने के आरोप लगाए। अखिलेश ने कह दिया कि जहां ज्यादा सम्मान वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हालांकि इसी साल विधानसभा चुनाव में दोनों एक बार फिर साथ आए। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश और शिवपाल ने कई मौकों पर मंच शेयर किया। ऐसे में अटकलें लगने लगी थी कि अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद चाचा शिवपाल यादव को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अखिलेश ने अचानक माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। इसलिए आज सीएम योगी ने शिवपाल यादव को गच्चा दिए जाने की बात कही। अखिलेश यादव पर चाचा को गच्चा देने का आरोप सीएम योगी ने लखनऊ में लगाया, लेकिन इसकी टीस दिल्ली में मौजूद अखिलेश यादव के बयान में साफ थी। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए, फिर वही रटी रटाई बात करने लगे कि जो योगी के सहयोगी हैं वो गच्चा दे रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर आपको योगी आदित्यनाथ के उस एक्शन के बारे में बताऊंगा जिसने इंडी गठबंधन के और भी ज्यादा होश उड़ा दी। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वाले को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। यानी दोनों तरफ से मामला चल रहा है, लेकिन इधर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता चच्चा गच्चा में उलझे रह गए। उधर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवैध धर्मांतरण पर नकेल कसने का पक्का इंतजाम कर दिया। यूपी विधानसभा में आज लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए नया बिल पास हो गया, जिसके कानून बनते ही लव जिहाद के मामले में शामिल लोगों को पूरी उम्र अब जेल में गुजारनी पड़ सकती है। यूपी में लव जिहाद को लेकर लाए गए नए कानून में किन चीजों को अपराध माना गया है वो आपको विस्तार से बताता हूं। पहला, पहचान छुपाकर शादी करना अपराध माना गया है। दूसरा, छुपकर धर्म परिवर्तन करना, यानी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। तीसरा, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, यह भी अपराध है। और बल प्रयोग से शादी करना, यह भी अपराध है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, यह भी अपराध की कैटेगरी में आ गया है। योगी सरकार की दलील है कि पुराने कानून की कुछ कमजोरियों की वजह से राज्य में अवैध धर्मांतरण के मामलों में रोक नहीं लग पा रही थी, इसलिए नए कानून में ऐसे सख्त प्रावधान किए गए हैं कि कोई अवैध धर्म परिवर्तन के बारे में सोच नहीं पाएगा। आप भी नए और पुराने कानून का अंतर समझिए। नया कानून कहता है कि दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्र कैद जो है वो पुराने कानून में अधिकतम 10 साल की थी, लेकिन नए कानून में अब ये जो है उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR अब दर्ज करा सकता है। पुराने कानून में था कि पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी रही थी। नया कानून कहता है कि लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट नहीं करेगी। पुराना कानून कहता है कि निचली अदालतों में भी सुनवाई हो सकती है। नया कानून कहता है कि लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। पुराना कानून कहता है कि सरकारी वकील को मौका दिए जाने का प्रावधान ही नहीं। नए कानून के मुताबिक सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। पुराना कानून कहता है कि जमानत मिलने का प्रावधान था, यानी अब जमानत मिलना मुश्किल है, सरकारी वकील से को बिना सुने जमानत मिलना मुश्किल है, और अब कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि धर्म परिवर्तन को लेकर बनाए गए नए कानून में अलग अलग मामलों के लिए कितनी सजा तय की गई। जैसे नाबालिग SC/ST महिला के धर्म परिवर्तन पर पहले 2 से 10 साल की सजा थी और 25,000 का जुर्माना था। अब इसे 5 साल की उम्र कैद तक की 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा कर दिया गया है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर पहले 3 से 10 साल की सजा मिलती थी और 50,000 का जुर्माने का प्रावधान, अब 5 साल से उम्र कैद तक की सजा है और 1,00,000 का जुर्माना है। धोखे से धर्म परिवर्तन या शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की सजा थी और 15,000 का जुर्माना था, अब 3 से लेकर 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना है।
धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर पहले कोई प्रावधान ही नहीं था, अब उम्र कैद तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन इंडी गठबंधन के साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी ये एजेंडा फैलाने में जुट गए कि नया कानून मुसलमानों को डराने के लिए लाया जा रहा है। हर चीज में मुसलमान को डराने का मामला ये लोग ले आते हैं। जो लोग अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ के नए कानून पर सवाल उठा रहे हैं, उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अवैध धर्मांतरण यूपी ही नहीं देश के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। हाल ही में यूपी में अवैध धर्मांतरण के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यूपी में भोले भाले गरीबों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, अगर ऐसा ही धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान साफ कर चुका है कि यह गंभीर मुद्दा है और देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के बाद से अब तक यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध धर्मांतरण को लेकर 170 FIR दर्ज हो चुकी है, जिनमें 700 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें धर्म परिवर्तन को लेकर बनाया गया कानून लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट और दूसरी धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात इसमें तो धर्मांतरण की बात है, ये तो कहा ही नहीं गया कि हिंदू को मुसलमान या हिंदू को सिख या हिंदू ईसाई या हिंदू को कुछ भी बनाने पर है। भाई कोई मुसलमान का भी धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको भी सजा होगी। हर चीज मुसलमान के अगेंस्ट कैसे हो जाती है?